नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में आपको बहुत ही अच्छा समाचार मिलने वाले हैं। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब से इस महीने की शुरुआत हुई है, ना ही तो आपका कोई काम बना है और ना ही आपके जीवन काल में कोई सफलताएं आपको मिली है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपका वह समय जा चुका है और यह जून का महीना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली था। लेकिन दोस्तों, आपके मन में यह संदेश था कि दोस्तों यह महीना आपके लिए बहुत ही बुरा जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल पर वो खुशखबरियां मिलने वाली है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको अब मिलने वाली है, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, किस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएंगे, कैसे समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेंगी, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सभी जानकारियां बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों पर आधारित है। तो दोस्तों, अंत तक देखना अब आपका दायित्व होता है। या दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय शनि महाराज लिख दें। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आपके जीवन काल में प्राप्त होगा और आपको सभी समस्याओं से भी शनिदेव दूर करेंगे। जय दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी को अपने जीवन काल में भगवान पर विश्वास दिलाएगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको इस महीने के शुरुआत में ही कुछ चीज़ें नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों इनसे आपको भगवान से बिल्कुल भी भरोसा नहीं उठाना है। कि दोस्तों, एक बार की बात है, भूख के कारण एक बच्चा रो रहा था, माँ के हाथ में बोतल है फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि दूध की बोतल में अभी वह गर्म है, क्योंकि बोतल में जो दूध है वह अभी गर्म है, अभी देना ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में भी होता है, हम अपने गुरु जी से मांगते हैं पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे गुरु जी को पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुँह जल जाएगा, इसी तरह आप भी अपने गुरु पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपकी हर अरदास टाइम आने पर पूरी होगी, आपकी हर मनोकामनाएं समय पर वह पूरे करेंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो या बात सटीक लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, विषय के साथ बात करते हैं कि अब आपके जीवन काल में भगवान कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहरी जानकारी जरूर लें। आपको बता दें कि इससे बहुत अच्छे नतीजे आपको हासिल होंगे, घर में सुधार और नवीकरण की योजनाएं बनेगी, बच्चों को कोई उपलब्धि मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रति और अधिक ध्यान देने का मन करेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, अपने अनावश्यक खर्चों को सीमित रखें, क्योंकि यह समय जो है अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। प्रॉपर्टी अथवा गाड़ी संबंधित कोई भी लोन अपनी क्षमता से अधिक ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। मामा पक्ष के साथ भी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पुरानी बातों को छोड़कर नए जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए संभव हो सकता है। योग थेरेपिस्ट्स की मदद से भावनात्मक जो है उलझन कम होगी। आपको बता दें कि मित्र द्वारा मिला सहयोग आपका आत्मविश्वास भी यह समय बढ़ाने वाले हैं। पैसे से संबंधित तकलीफ को दूर करने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। यश में अपनी जरूरत से अधिक खर्चा करने से आप बचें, ये आपके लिए यशमय बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, रचनात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्य में भी कुछ अपना समय व्यतीत करें, इससे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी, मानसिक रूप से भी रिलैक्स महसूस करेंगे। यह समय कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आने वाली है, परंतु आप पूरे आत्मविश्वास द्वारा उन्हें स्वीकार भी करेंगे और सफलता भी इनमें हासिल करेंगे। बशर्ते दोस्तों, हर कार्य में आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। युवा वर्ग किसी बात में आकर कोई गलत काम न करें या फिर गलत मार्ग न अपनाए। दोस्तों, यह समय आपके लिए आपके पास योजनाएं तो बहुत आएंगी या फिर बहुत योजनाएं होंगी, इस बात को लेकर आप असमंजस में रहेंगे। विरोधियों की गतिविधियों को भी यश में नजरअंदाज ना करें, ये भी आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में
परिवार से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय आपकी भूमिका परिवार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो समय है आपके लिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण कठिन कामों को भी आसानी से आप कर पाएंगे। करीबी लोगों के साथ थोड़ा सौम्य बर्ताव रखने की आपको आवश्यकता होगी, तो इन पर जोर ध्यान दें और इसके उपरांत समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, आप अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ग्रह स्थितियां इसमें आपके लिए उत्तम है और आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। दोस्तों, घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी संबंधी कार्य भी हो सकते हैं तथा कार्य सुचारू रूप से संपन्न भी हो सकते हैं। इनसे दोस्तों आपका आत्मविश्वास भी यह समय बढ़ने वाले हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। यह समय चल रहे उचित समय का भरपूर सदुपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों, यह समय बिल्कुल भी फालतू चीज़ों पर ध्यान न दें और इन अपने महत्वपूर्ण कामों में ध्यान को केंद्रित रखें। साथ ही दोस्तों, भाइयों के साथ ही कोई मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। समझदारी तथा शांतिपूर्ण तरीके से काम लेने का प्रयास करें। इनसे दोस्तों आप परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय फिलहाल आपके काम आसानी से हो रहे हैं। आपको बता दें कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भी यश में बनी हुई है। फिर भी दोस्तों, आप परिस्थिति का पूरा फायदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोच रहे थे। खुद के जीवन के प्रति अधिक फोकस बढ़ाने की यश में आपको आवश्यकता होगी। दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम को पूरा करना आपको यश में सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों व्यापार संबंधी गतिविधियों का और अधिक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। प्रभावशाली नए संपर्क भी बनेंगे। यश में मार्केटिंग तथा इनसे संबंधित गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। दोस्तों, यश में ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में व्यवसायिक स्थल पर फायदे की स्थितियाँ बन रही है। फायदे की अपेक्षा मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि दोस्तों, कोई खास सफलता आपको इसमें आपको नहीं मिलेगी, परंतु आपकी भविष्य संबंधी योजनाएं सकारात्मक रहेंगी और भविष्य में आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। आय और व्यय का समन्वय यशमी बना रहेगा। नौकरी की तरक्की संबंधी कोई शुभ सूचना यशमी आपको मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, अगर व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत की है तो दोस्तों जल्दी ही फायदे के मौके भी मिल सकते हैं। कोई व्यवसाय की यात्रा भी इसमें संभव हो सकता है। किसी के साथ भी मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होगा, तो इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में सभी काम अच्छे तरीके से पूरे होते जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी गलत सलाह आपके बिजनेस में परेशानी का कारण बन सकती है या फिर परेशानी को खड़ी कर सकती है। इसलिए दोस्तों, यश में बेहतर होगा कि अपने फैसले को प्राथमिकता दें। नौकरी पेशा व्यक्ति भी ध्यान रखें कि किसी प्रकार की राजनीति में आप फंस सकते हैं, तो सतर्क रहें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद रहेंगे, परंतु दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपने स्वभाव में ही बदलाव लाना आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों, यश में प्रेम संबंधों में निधियाँ भी बनी रहेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, यश में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी और परिवार सदस्यों का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा, जिससे दोस्तों घर की व्यवस्था भी उत्तम बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक व्यवस्था को लेकर पति पत्नी के बीच कोई तकरार भी रह सकती है, परंतु ये जो समय है आपके लिए क्षणिक ही रहेगी। माहौल में फिर से सुधार भी आएगा, तो दोस्तों चिंता ना करें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा घर तथा व्यवसाय संबंधी सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न भी करेंगे तथा परिवारजनों के साथ डिनर तथा घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में वंशानुगत बीमारी संबंधी पुराने रोग दोबारा उठ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यश में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और व्यवस्थित दिनचर्या रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अत्यधिक कार्यभार की वजह से भी थकान, सिरदर्द और इनसे जुड़ी परेशानियां रह सकती है। डायबिटीज व्यक्ति भी अपने खानपान पर पूरा परहेज रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।